हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक एजुकेशन गुरु पर। मैं आपका होस्ट डॉक्टर पंकज जोशी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं डाइजेशन की सीरीज पर, और आज आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड के अंदर डायग्राम है ह्यूमन टीथ का। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टीथ या मानव के दांत की संरचना। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन के टीथ की स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले अपने बात की थी अंतिम क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर, और वो हमने बात की थी डाइजेशन को समराइज करने की। आज हम बात कर रहे हैं बकल कैविटी या ओरल कैविटी या मुख गुहा की। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, आपकी जो बकल कैविटी है या मुख गुहा है, ठीक है जी, इसके अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं। इस बकल कैविटी के अंदर आपको मिलेगा टीथ, सलेवरी ग्लैंड्स, जैसे कि आप हिंदी के अंदर लार ग्रंथियां भी कहते हैं, और आपको मिलती है टंग। इसके अलावा पैलेट, जो कि हिंदी में आप कहते हैं तालू, ये पैलेट भी दो तरह के होते हैं, जैसे हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं टीथ के बारे में। तो टीथ के बेसिस पर ह्यूमन की तीन स्पेशलिटीज होती हैं। नंबर एक स्पेशलिटी ये है कि हम थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट को हिंदी में गर्त दंती कहा जाता है। इसका मतलब ये है, आप देख रहे हैं कि हमारे रूट, जो टीथ की रूट होती है, ये टीथ की रूट, इट इज enclosed into bony sockets। ये जबड़े की जो हड्डियां होती है, बोन की जो सॉकेट्स होती है, उन सॉकेट के अंदर रहती है। सॉकेट के अंदर रहने के कारण सबसे स्पेशल चीज क्या है कि आपको बाइटिंग फोर्स मिलता है, आपको बाइटिंग स्ट्रेंथ मिलती है। इस दो चीजों को अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा हम डाइफोडोंट होते हैं। डाइफोडोंट को हिंदी में कहते हैं द्विबार दंती। इसका मतलब यह है कि हमारी लाइफ टाइम में हमें जो है वो दो दांतों के सेट आते हैं। पहला दांत, जिसे आप मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ कहते हो, मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ वो होते हैं जो 10 से लेकर 11 साल की एज तक रहते हैं, फिर वो जो है वो टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और उनको रिप्लेस कर लेता है कौन, परमानेंट टीथ। याद रखिएगा, बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नीट के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, क्या कि चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र क्या होता है, चाइल्ड का। ध्यान रखिएगा, तो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला ICPM 2102/2102 × 2, ये ट्रिक है, याद रखिएगा, 2102/2102 × 2, टोटल दांतों की संख्या निकालेंगे तो वो निकल कर आएगी 20। याद रखिएगा, बच्चों के अंदर दांत केवल 20 ही पाए जाते हैं, जबकि एडल्ट के अंदर 2123/2123 × 2, इसका मतलब एडल्ट के अंदर दांत पाए जाते हैं 32, 32 दांत पाए जाते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर, ये ICPM क्या है? तो ध्यान रखिएगा, हम इसके बेस पर तीसरी स्पेशलिटी भी शो करते हैं कि हमारे अंदर चार अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। वी हैव 4 टाइप ऑफ डिफरेंट टीथ। ध्यान रखिएगा, हेटेरोडोंट को हिंदी में आप विषम दंती भी कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, विषम दंती, हमारे अंदर चार डिफरेंट टाइप के टीथ मिलते हैं, और इनको इंसाइजर, केनाइंस, प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। फिर से बता दूं मैं आपको, चार डिफरेंट टीथ है, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर और आपके केनाइंस। ध्यान रखने वाली बात यह है बेटे कि फिर से देखिएगा कि ह्यूमन दांतों के बेस पर तीन टाइप का, तीन स्पेशलिटीज उसके अंदर। सबसे पहली थीकोडोंट, के जो दांत है वो बोनी सॉकेट के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी बात हमारे पास में डाइफोडोंट, कि हमारे में दांतों के दो सेट आते हैं, दो सेट, एक जो बचपन में आता है जिसे मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ या दूधिया दांत कहते हैं, दूसरे वो दांत हैं जो उनको रिप्लेस करते हैं, जो कि होते हैं आपके परमानेंट टीथ या स्थायी दांत। याद ये रखना है, बच्चों में दांतों की संख्या 20, 2102
अपॉन 2102, ये ऊपर और नीचे के जॉ या जबड़ों की संख्या है, जबड़े के अंदर कितने दांत मिलते हैं उनकी संख्या है। तो बच्चों के अंदर 20 दांत, जबकि एडल्ट के अंदर ये नंबर चेंज होकर 2123 अपॉन 2123 इनटू 2 बराबर 32 हो जाता है, और इसी को आप कहते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन, मानव का दंत सूत्र। फिर बात कर ले बच्चों, तो आप बात करते हैं हिटेरोडोंट या विषम दंती की, तो यहां पे अपने ध्यान रखिएगा, वी हैव फोर काइंड ऑफ टीथ इन आवर जॉज, हमारे जबड़ों में चार तरह के दांत मिलते हैं, इनसाइजर, उसके बाद में केनाइंस, फिर प्रीमोलर और मोलर। तो आइए आज की वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हैं डायग्राम, जो कि ह्यूमन टीथ का डायग्राम है। ह्यूमन टीथ के डायग्राम की शुरुआत करते हैं, तो ह्यूमन टीथ के अंदर तीन मेजर पार्ट्स पाए जाते हैं, ये बात याद रखना आपने को। सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट जो कि आप देख पा रहे होते हैं, आपको दिखाई देता है आपके जबड़े के अंदर, इसे क्राउन पार्ट कहते हैं, याद रखिएगा, क्राउन या मुकुट। जबकि वो पार्ट जो आपके मसूड़ों से थोड़ा सा ऊपर निकला होता है उसे आप नेक या गर्दन या ग्रीवा भाग कहते हैं, जबकि वो पार्ट जो कि मसूड़े के अंदर गम के अंदर दबा हुआ होता है उसे आप रूट पार्ट कहते हैं। तो हमने कहा कि टीथ के अंदर तीन पार्ट है, पहले पार्ट को आपने क्राउन कहा, दूसरे को आपने नेक कहा, और जो तीसरा है उसे आपने क्या कहा, रूट पार्ट कहा। सबसे पहले देख लीजिए क्राउन की बात कर ले, जो ऊपर वाला हिस्सा है क्राउन, आपने कहा इट इज द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टीथ, दांत का वो हिस्सा है जो हमें दिखाई पड़ता है। काम क्या करता है, आपने कहा इट परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, बेहद अलग अलग कार्य करता है, बाइटिंग है, क्रशिंग है, मेस्टिकेशन है, ये सारे काम, चबाना, चीरना, फाड़ना आदि कार्य जो है उसी क्राउन वाले भाग से ही किए जाते हैं। इसके बाद आपका दूसरा पार्ट है नेक, आपने कहा फाउंड एम्बेडेड इनटू गम्स, ये मसूड़ों से घिरा हुआ पाया जाता है और ये हमें सपोर्ट करने का क्या करता है, कार्य करता है। तीसरे पार्ट के अंदर बात कर ले बच्चों, तो तीसरा पार्ट इसका रूट वाला पार्ट है, आपने कहा कि प्रोवाइड स्ट्रेंथ, कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप एक सेव को बाइट करें और सेव आप जब निकालें तो उसके अंदर दो दांत धसे हुए हों, अंदर कभी नहीं होगा, सिरो का टुकड़ा ही आपके मुंह के अंदर होगा, ये बात फाइनल है। तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम भी आपको रूट ही कर रहा है, और साथ में देखिए इट प्लेस द टीथ ऑन इट्स सॉकेट, कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा आपके साथ कि खाना खाने के बाद आपके दांत मुड़ गए हों, या बाहर निकल गए हों, या अंदर की ओर घूम गए हों, या खाने के साथ अंदर चले गए हों। तो ये स्ट्रेंथ भी देने का काम करता है और उसको अपने स्थान पर रखने का काम भी करता है। जिनमें ये नहीं हो पाता, जैसे कि शार्क है, तो शार्क में ये नहीं हो पाता, शार्क जब शिकार करती है तो मछली, जो शिकार वाली मछली होती है वो स्वयं छूटने का प्रयास करती है, तो वो छूटती है, साथ में शार्क के कुछ दांत भी छूट जाते हैं, ठीक है। तो शार्क में फिर दांतों के सेट लाइफ टाइम तक आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, पर आप में तो दो बार ही आते हैं, इसलिए अपने खाने को थोड़ा सा आराम से खाना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, अब देख लेते हैं कि यहां पे जो सबसे बाहर आपको चमकता हुआ, अभी जरूरी नहीं है कि सबके चमकते हुए हो, पर ज्यादातर लोगों में जो अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन्ड करते हैं उनके दांत आपको चमकदार मिलते हैं, और ये चमकदार दांतों का जो आवरण है वो इनेमल के कारण से होता है, जो कि हार्ड कवर होता है, टीथ के ऊपर हार्ड कवर होता है। आप जब भी किसी हार्ड चीज को खाते हैं तो ये बहुत सहयोग करता है दांतों को उसको क्रश करने के अंदर, तोड़ने के अंदर। बात देखें इसके अंदर की साइड में आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है, इस कैविटी को पल्प कैविटी कहते हैं, ये कैविटी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा संवेदी होती है, जबकि यहां पे आप देख पा रहे होंगे इस लेयर को हमने कहा है डेंटाइन, याद रखना डेंटाइन, ये पाई जाती है इनेमल के नीचे, और इसमें ओडेंटोब्लास्ट नाम की सेल्स पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। फिर आपने कहा बाहर की ओर आपको एक लेयर मिलेगी जिसे आप कहते हैं बोन सीमेंटम, और इस लेयर के अंदर ब्लड वेसल और नर्व्स होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि दांत को ब्लड सप्लाई का काम भी करती है और साथ साथ दांत को सेंसिटिव बनाने का कार्य भी करती है। लास्ट में आप देखेंगे रूट केनाल और टिप ऑफ दी रूट केनाल, रूट केनाल जो होती है वो सेंस के लिए लायबल होती है, जबकि जो टिप ऑफ रूट केनाल है ये ब्लड वेसल्स के साथ जॉइंटेड होती है। आप में से अगर किसी ने कभी डेंटिस्ट को विजिट किया हो तो वहां पे रूट केनाल की सर्जरी होती है, उस सर्जरी के अंदर इसी रूट केनाल को फिक्स किया जाता है।
तो बच्चों एक बार फिर से आप देख लीजिए, ह्यूमन टीथ में आपने कहा क्राउन, नेक एंड रूट, और इस डायग्राम को अच्छे से आप बनाइएगा, इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर और हमसे डिस्कस करिएगा। लगातार लाइक सब्सक्राइब और शेयर मिल रहे हैं, और भी करते जाइए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी शॉर्ट क्लासेस, छोटी क्लासेस, छोटे वीडियोस आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग और बहुत फायदेमंद साबित हो रहे होंगे। और इसी के साथ फिर से एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, आपका होस्ट बायोलॉजी गुरु डॉक्टर पंकज जोशी, थैंक यू।